हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न द सेकंड लेसन ऑफ साइंस दैट इज एनिमल लाइफ। टुडे वी विल लर्न अबाउट एनिमल लाइफ। चलो बच्चों शुरू करते हैं। साइज के अकॉर्डिंग एनिमल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बिग एनिमल, एक होते हैं स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक एनिमल। अकॉर्डिंग टू साइज एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दैट इज बिग एनिमल एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक एनिमल। बिग एनिमल जो आपको खुले आंखों से देख सकते हैं, द एनिमल्स विच यू कैन सी इन योर नेकेड आइज आर नोन एज बिग एनिमल्स, जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, आपको देखने में ज़्यादा मशक्कत करने नहीं पड़ते। लाइक एलिफेंट्स, टाइगर्स, डॉग्स, कैट्स, दीज आर द बिग एनिमल्स। एंड लेट्स कम्स टू द स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक एनिमल। स्मॉल एनिमल जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, इधर वो खुले आंखों से बहुत मुश्किल से दिखते हैं और उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं, उन्हें बोलते हैं स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक एनिमल। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द थ्री थिंग्स, दैट इज द हैबिटेट, फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। पहले पढ़ते हैं हैबिटेट क्या है। आप लोग का दिल में सवाल आता होगा, व्हाट इज हैबिटेट, हैबिटेट है क्या बच्चों? द एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल और ए प्लांट लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अब ये क्या हुआ, इन देसी लैंग्वेज इफ यू से दैट हैबिटेट इज इक्वल टू घर, नेचुरल घर है हैबिटेट। नेचुरल घर और आर्टिफिशियल घर क्या है बच्चों? नेचुरल घर मतलब समझ लो, आप जानते हैं बंदर जंगल में रहने का चीज़ है, बंदर जंगल में रहते हैं, वो जानवर जंगल में रहते हैं। आप अगर घर में ला के उसे रखेंगे तो वो नेचुरल हैबिटेट नहीं कहलाएगा उसका, वो जंगल में रहता है। तो जंगल इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मॉकीज। तो ये समझ में आ गया बच्चों नेचुरल हैबिटेट क्या है। नेचुरल हैबिटेट है द एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल और ए प्लांट लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जो नेचुरली अपने आप बड़े होते हैं, अपने आप जन्म होते हैं, पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, उन्हें नेचुरली घर उसे कहता है। हैबिटेट क्या कहते हैं, हैबिटेट का मतलब नेचुरली जिस घर में जानवर और गच्छ पौधे उगते हैं, रहते हैं, उन्हें हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट तीन तरह का हो सकते हैं, ये एयर हो सकता है और लैंड भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। बच्चों एयर हो सकता है, लैंड हो सकता है और वाटर भी हो सकता है बच्चों। मतलब एयर में भी एनिमल रह सकते हैं, लैंड में भी एनिमल रह सकते हैं और वाटर में भी एनिमल रह सकते हैं। सो एयर, लैंड एंड वाटर आर द हैबिटेट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर। देखो हर एयर में, लैंड में, वाटर में अलग अलग रहता है, क्लाइमेट अलग अलग रहता है, टेम्परेचर भी अलग अलग रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी अलग अलग रहता है, पानी भी अलग अलग रहता है। कोई कई जगह में पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, कई कई जगह में पानी बहुत कम मिलता है, कहीं का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, कहीं का टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो कहीं खाना बहुत ज़्यादा मिल जाता है, कहीं खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स लिविंग इन ए हैबिटेट एडेप्ट देमसेल्फ इन मेनी वेज टू सर्वाइव इन द गिवन एनवायरमेंट। अब सवाल आता है बच्चों, एडेप्ट क्या है, ये एडेप्टेशन क्या है, एडेप्ट का मतलब क्या है बच्चों? एन एडेप्टेशन इज एन एनी चेंज इन एन एनिमल दैट गिव्स इट एन एडवांटेज फॉर सर्वाइवल इन इट्स एनवायरमेंट। मतलब जीने के लिए जो चेंज होता है एनिमल के बॉडी में, या एनिमल उस अपने को आपको चेंज कर लेता है, अपने को ढा लेता है उस एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं, हम उसे एडेप्ट कर लेते हैं। लेट आप अभी घर में डॉलॉग गद्दी में सोते हो, आप बड़े होकर हॉस्टल में आपको जाना है, हॉस्टल में पढ़ाई करना है, तो हॉस्टल में आपको चिटाई मिलेगा नीचे सोने के लिए, लेट सोच लीजिए। तो आप वहाँ कुछ दिन का बाद आपको एडेप्ट करना पड़ेगा, ना ही आप सुसाइड कर लेंगे, मुझे गद्दी चाहिए नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, ये तो नहीं हो सकता ना बच्चों, आपको एडेप्ट करना पड़ेगा। तो आप समझ लिए ना बच्चों एडेप्टेशन क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, पोलर बियर्स हैव थिक फर एंड फैट ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सीवियर कोल्ड कंडीशंस। मतलब क्या होता है, पोलर बियर को आपने कभी इमेज में देखे हैं? पोलर बियर, ये देखिए इमेज, पोलर बियर का इमेज है, और ये देखिए कितना उसका हेयर कोट, हेयरी कोट को फर कहते हैं बच्चों, कितना मोटा है हेयरी कोट, और उसके अंदर बहुत ही मोटा चर्बी का एक परत होता है जिसके मदद से पोलर बियर जिंदा रहता है इतना ठंड में भी। अगर आप लोग को उतना ठंड में जहाँ पोलर बियर रहता है आप लोग को छोड़ दिया जाए तो आप लोग मर जाओगे बच्चों, इतना ठंड। हमारा इंसान का बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हमारे यहाँ का इंसान का बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकते हम लोग,
तो पोलर बियर का एक थिक फोर और फैट होता है जो उसे बचा के रखता है इतना ठंडों से। तो ये एक एडेप्टेशन है बच्चों। चलो बच्चों दूसरे नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चा एडेप्टेशन करने के लिए ब्रीदिंग की ज़रूरत है। ब्रीदिंग इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जैसा एडेप्टेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल वैसे ब्रीदिंग इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आप अगर ब्रीद ही नहीं करोगे तो जिंदा ही नहीं रह पाओगे बच्चों। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिफरेंट हैबिटेट्स हैव ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग टू सूट देयर एनवायरमेंट। अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, और अलग अलग एनिमल्स के ब्रीदिंग का तरीका अलग अलग है बच्चों। तो हम एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं लॉन्ग्स। हमारा अंदर लॉन्ग्स है तो सबको पता है बच्चों लॉन्ग्स क्या होता है। ये देखिए लॉन्ग्स आपको दिखाई दे रहा होगा। लॉन्ग्स बार्ड्स मामल्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीद विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग्स। हम मामल्स हैं तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग्स की मदद से हम ब्रीद करेंगे। तो बार्ड्स एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीद विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग्स। ऑल मामल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ब्रीद थ्रू नोज। हम लोग नोज से ब्रीद करते हैं। चलो बच्चों फ्रॉम द नोज एयर इज कैरीड टू द लॉन्ग्स। नोज से लॉन्ग्स की तरफ एयर जाता है बच्चों। व्हेल्स के बारे में किसी ने सुना है बच्चों? व्हेल्स पानी में रहता है लेकिन एक मामल्स है। अब बच्चों सवाल आपके दिल में आता होगा मामल्स है क्या। मामल्स वो कैटेगरी के जानवर हैं, वो कैटेगरी के एनिमल्स हैं जिन्हें जो बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं और बड़ा करते हैं, ना कि अंडा देते हैं या बच्चा नहीं पैदा करते हैं। वो बच्चे को इंसान जैसा बच्चे को गो अपना पेट में अपना कोख में रख के बच्चा पैदा करते हैं, वैसे ही मामल्स उस कैटेगरी के एनिमल हैं जो अपने बच्चे को पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, उन्हें मामल्स कहते हैं। तो व्हेल्स इज ऑल्सो ए मामल्स लेकिन वो पानी में रहता है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा लार्ज लंग्स है। वो हवा ले लेता है फिर पानी में डूब के चले जाता है, फिर सांस लेने के लिए उसे ऊपर तक आना पड़ता है। व्हेल्स लिव इन वाटर बट दे आर मामल्स एंड दे हैव लार्ज लंग्स टू हेल्प देम ब्रीद ए लॉट ऑफ एयर। दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीद। अब पढ़ते हैं गिल्स। गिल्स आप लोग को पता होगा बच्चों, गिल्स फिश में रहता है। जो जनरली वाटर में रहते हैं उनका अंदर गिल्स पाया जाता है। गिल्स फिश में रहता है, क्राब्स में रहता है, प्रॉन्स में रहता है। दैट लिव इन वाटर ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। अब व्हेल भी रहता है पानी में लेकिन उसका गिल्स नहीं है क्योंकि वो मामल्स है, उसका लंग्स है। वो ऊपर तक आता है फिर हवा लेता है, सांस लेता है, फिर अंदर चले जाता है, फिर सांस लेने के लिए उसे ऊपर आता है। कन्फ्यूज मत होना कि सर व्हेल्स भी तो पानी में रहता है, उसका भी लंग्स होगा। उसका लंग्स नहीं है बच्चों, उसका क्या है, उसका लंग्स है बच्चों, उसका भी तो गिल्स। आप लोग कन्फ्यूज होंगे कि उसका भी सर गिल्स हो सकता है, नहीं उसका गिल्स नहीं है, उसका लंग्स है बच्चों। समझ में आया बच्चों? गिल्स आर फीदरी ऑर्गन्स एनक्लोज्ड इन द पाउचेस प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द हेड ऑफ द एनिमल। गिल्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। आप लोग गिल्स का इमेज देख लीजिए, ये एक फिश का इमेज है बच्चों, ये है गिल्स। आप लोग गिल्स में बहुत सारे रहता है, गिल्स के मदद से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आया बच्चों? फिश में लॉन्ग्स नहीं होता, गिल्स रहता है और गिल्स का हेल्प से वो मछली या आपका क्राब हो गया, प्रॉन हो गया, जो पानी में रहते हैं वो अपने ब्रीथ करते हैं। देन स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स क्या होता है बच्चों? इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि फ्लाइज हो गया, मस्कीटोज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, वो एक छोटा सा हॉल उनका बदन में प्रेजेंट रहता है बच्चों। एक छोटा सा हॉल के मदद से वो ब्रीथ करते हैं, उन्हें स्पेरिकल्स बोलते हैं, ये लीजिए आपका जो किताब में जो फ़ोटो बटरफ्लाई का दिया गया है उसमें कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने एक फ़ोटो ये आपके लिए समझने के लिए दिया है बच्चों। ये देखिए जो, लेट मी थोड़ा बड़ा कर देने दीजिए। ओके अब देखिए बच्चों, ये जो होता है ना बच्चों, ये है स्पेरिकल्स। इसी का मदद से इंसेक्ट्स सांस लेते हैं, इसका मदद से इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। स्पेरिकल्स गया बच्चों। अब चलते हैं स्किन। देखिए एनिमल्स लाइक अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वो अपना बॉडी सरफेस से, जो गीला बॉडी सरफेस, मॉइस्ट बॉडी सरफेस होता है, उसके मदद से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। अर्थवर्म्स टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल्स थ्रू इट्स मॉइस्ट बॉडी सरफेस। अब सवाल आएगा स्किन का मदद से अर्थवर्म किसका मदद से ब्रीथ करता है? तो स्किन का मदद से
थ्रू इट्स मॉइस्ट बॉडी सरफेस, मॉइस्ट बॉडी सरफेस। ये फ्रॉक में भी रहता है बच्चों, यही फ्रॉक में इसीलिए रहता है कि फ्रॉक पानी में भी रह सकता है और सूखे में भी रह सकता है। तो जब सूखे में आता है तो लंग्स के मदद से सांस लेता है, जब पानी में चले जाता है तो वो अपना मॉइस्ट स्किन के मदद से वहाँ ब्रीथ कर सकता है। ए फ्रॉग इज अडेप्टेड टू बोथ टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एज इट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, हैंस फ्रॉग्स ब्रीद थ्रू लंग्स एज वेल एज थ्रू मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग लंग्स के मदद से ब्रीथ कर सकता है और मॉइस्ट स्किन के मदद से ब्रीथ कर सकता है। अब आते हैं बच्चों फीडिंग हैबिटेट्स, खाना कैसे खाते हैं। अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह का उनका बॉडी में डेवलप होता है, जिसका मदद से अलग अलग ऑर्गान्स होते हैं जिसका मदद से वो खा सकते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसका मदद से वो खा सकते हैं। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। कुछ बाइट एंड च्यू करके खाते हैं, कुछ सकफ कर लेते हैं, कुछ सलो कर लेते हैं। बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, बर्ड्स के बारे में अपने क्लास फोर में भी आप पढ़ाई कर चुके हैं, जो बीक्स होता है बर्ड का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, चीजल बीक, हुक्ड बीक्स वगैरह वगैरह। इस बीक का मदद से अलग अलग बर्ड अलग अलग बीक्स रहता है, उसका मदद से वो खाना खा लेते हैं। बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर ईटिंग, देयर बीक्स आर सुइटेड टू कैच द काइंड ऑफ फूड दे ईट। चलो बच्चा अब एनिमल्स का चलते हैं। एनिमल्स का अलग अलग चीज़ होता है, मतलब अलग अलग टीथ होता है खाने के लिए। एट हर्बिवोरस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव ब्लंट टीथ, इनका ब्लंट टीथ होता है। आपने काव देखे होंगे, बुफालो देखे होंगे, उनका ब्लंट टीथ रहता है, फ्रंट में जो टीथ रहता है जिसे हम इंसीजर भी कहते हैं, उनका भारी ब्लंट रहता है। फॉर बाइटिंग एंड फ्लैट ब्रॉड ग्राइंडिंग टीथ इन द बैक ऑफ द माउथ, उनका पीछे तरफ क्या रहता है, जो हम प्रीमोलर्स और मोलर्स पढ़े थे, ग्राइंडिंग करने के लिए फ्लैट ब्रॉड टीथ रहता है हर्बिवोरस का। अब कार्निवोरस अगर पढ़ेंगे बच्चों, कार्निवोरस और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव पॉइंटेड टीथ, ये कनाइंस बोलते हैं उसे, कनाइंस भी बोलते हैं। दे यूज दिस टू टीयर द फ्लैश, उसे चीर के खाते हैं, लायन हो गया, टाइगर हो गया, इनका कनाइंस बाहर से दिखता है बच्चा जब वो मुँह खोलते हैं, तो इन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। अब बच्चों हर्बिवोरस और कार्निवोरस तो आपको पता होगा ना, हर्बिवोरस जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो मीट खाते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे रोडेंट्स। रोडेंट्स यूज देयर फ्रंट टीथ टू बाइट एंड नो एट देयर फूड, स्क्वरल्स रेड्स एंड माइस आर नोन एज रोडेंट्स, ये इस कैटेगरी के आते हैं। अब चैमलियन के बारे में आपने पढ़े होंगे, जो गिरगिटा होता है चैमलियन, ए काइंड ऑफ लिजार्ड, यूज इट्स टोंग टू कैच एन इंसेक्ट्स, ठीक है, वो अपने टोंग का मदद से इंसेक्ट खाते हैं। अब ये एक इनसाइड क्वेश्चन है बच्चों, आपने आप लोगों को ये याद रखना है, बटरफ्लाई सक इट्स फूड थ्रू ए ट्यूब लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस, इसे याद रखना है। व्हाट इज प्रोबोसिस, ना प्रोबोसिस की मदद से बटरफ्लाई खाना खाता है। तो बटरफ्लाई किसका मदद से खाना खाता है, सक इट्स फूड थ्रू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोबोसिस, क्या कहते हैं बच्चों से, प्रोबोसिस बोले कहते हैं। ये देखिए हर्बिवोरस का मैंने बहुत बताया था, हर्बिवोरस का टीथ ऐसे होते हैं, ब्लंट टीथ होते हैं। चलो बच्चों ये हो गया, देखिए कार्निवोरस का ये पॉइंटेड टीथ हो गया कार्निवोरस का, और ये रोडेंट्स का टीथ हो गया देखिए। अब मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं एनिमल्स, एक जगह को दूसरे जगह को मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं बच्चों, खाना खोजने के लिए, टू फाइंड फूड, टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स, उनको जैसे शिकार ना बन जाए वो, अपने शिकारी से बचने के लिए, टू फाइंड अ मेट, अपना दोस्त ढूंढने के लिए, और टू फाइंड सुइटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर सर्वाइवल एंड ब्रीडिंग, अपने बच्चों पैदा करने के लिए कि अच्छा सा एनवायरमेंट हो, अपने अच्छा से एनवायरमेंट में उसे रहना, कौन नहीं पसंद करता बच्चों उसे, एनिमल्स हर एनिमल्स इसे पसंद करते हैं, इसीलिए हम एक जगह से दूसरे जगह को एनिमल्स मूव करते हैं। चलो बच्चों डिटेल्स में पढ़ते हैं। लैंड एनिमल्स मूव इन मेनी डिफरेंट वेज, दोज विदाउट लिम्स स्लिथर लाइक स्नैक्स, स्नैक के जैसे रेंगते हैं, सम लाइक वर्म्स एंड बग्स क्रॉल, मेनी एनिमल्स कैन वॉक, रन, लीप और हॉप। अब चलते हैं बच्चों वाटर एनिमल्स, जो पानी में जो एनिमल्स रहता है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल फिश हैव फिन्स एंड टेल्स, उसके फिन्स और टेल्स होते हैं, इसका मदद से वो मूव करता है। सी मामल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव फ्लिपर्स, इनके लिए क्या, इनका फिन नहीं होता, इनका क्या होता है, फ्लिपर्स होता है मूवमेंट करने के लिए। तो व्हेल्स का अगर कोई पूछ दे, या डॉल्फिन का जो मामल्स है उनका, किसका मदद से पानी में वो मूव कर सकते हैं, फ्लिपर्स, जवाब क्या होगा बच्चा, फ्लिपर्स के मदद से।
फ्रॉक्स एंड डॉग्स हैव वेब्ड फीट, फ्रॉक्स एंड डॉग्स हैव वेब्ड फीट, जिसका मदद से वो पानी में तैर सकते हैं, पानी में स्विम कर सकते हैं, तो उनका वेब्ड फीट रहता है, उसका मदद से वो पानी में तैर सकते हैं बच्चों। देन एरियल एनिमल, जो हवा में रहते हैं बच्चों, जो हवा में उड़ते हैं जो एनिमल, द एनिमल्स दैट फ्लाई यूजिंग विंग्स फॉर लिफ्टिंग एंड स्टीयरिंग देयर टेल्स हेल्प देम स्टीयर टू, उनके टेल का मदद से वो अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं, अपना टेल का मदद से वो डायरेक्शन बदल सकते हैं। बार्ड्स हैव विंग्स कवर्ड विथ फीदर्स, बार्ड्स का क्या होता है, विंग्स होता है जो कि फीदर से बना होता है, पैर पैर रहता है जो पर से जो उड़ने में उसे मदद करता है। लेकिन बच्चों बैट्स का बारे में आपने सुना है, बैट्स का विंग्स नहीं होता बच्चों, बैट्स डजंट हैव विंग्स, बैट्स आर मामल्स दैट कैन फ्लाई, वो उड़ सकता है, और बैट्स में एक मामल से ये बच्चा पैदा करता है बच्चों, बैट्स आर मामल्स दैट कैन फ्लाई, बट देयर विंग्स आर नॉट मेड ऑफ फीदर्स, इंस्टेड दे आर स्ट्रेच्ड स्किन कवरिंग ए बॉनी हैंड लाइक पार्ट ऑफ द बॉडी। आपका बुक में एक फिगर है, आप देख सकते हो, उनका स्किन स्ट्रेच्ड हो गया है, उनका स्किन स्ट्रेच्ड होके बनाई है, फीदर्स नहीं बनाए, समझ में आया बच्चों। ये एक एक्सेप्शन है, हर उड़ता हुआ चीज़ का फीदर्स किससे बना है, हर उड़ता हुआ चीज़ का पंख फीदर से बना है, हर उड़ता हुआ चीज़ का विंग्स फीदर से बना है, लेकिन बैट्स का नहीं बना है, ये एक एक्सेप्शन है, समझ में आया बच्चों। चलिए बॉडी कवरिंग्स का बारे में पढ़ते हैं, बॉडी जो ढक के रहता है, जैसे हमारा बॉडी कवरिंग स्किन है, तो दूसरे एनिमल का किसका क्या बॉडी कवरिंग्स है पढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स विच हेल्प देम सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। फर्स्ट होता है स्केल्स, बॉडीज ऑफ स्नैक्स क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं कैटेगरी के, वो कवर्ड विथ स्केल्स रहता है, दिस हेल्प्स प्रिवेंट, स्केल्स क्या मदद करता है, ये क्वेश्चन है बच्चा, स्केल्स हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस, स्केल्स हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस इन द एनिमल्स फ्रॉम देयर बॉडी। फिश आर कवर्ड विथ ओवरलैपिंग स्केल्स देट आर वाटर प्रूफ, फिश का अंदर, फिश में जो ओवरलैपिंग स्केल्स, जिसे हम पकाने से पहले जो मच्छी वाला बना कर देता है, उसे पहले कुरेद के निकालता है, वो एक ओवरलैपिंग स्केल्स है, देट आर वाटर प्रूफ। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल बच्चों, सेल क्या है बच्चों, एनिमल्स सच एज टॉर्टोइज स्नेल्स टर्टल्स आर प्रोटेक्टेड बाई अ हार्ड सेल, वेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर दे विड्रॉ देयर हेड एंड फिट इन टू द सेल। आपने टॉर्टोइज देखे होंगे, जब आप उसे छूने का कोशिश करेंगे तब वो अपना सर अंदर ले लेगा, और एक बहुत ही सॉलिड पार्टिकल से वो उसका आउटर पार्ट बना हुआ है, उसे ही सेल बोलते हैं बच्चों। फिर फुर क्या होता है बच्चों, हम लोग पढ़े पोलर बियर में दिखाया है आपको, जो हेयरी कोट होता है, जो हेयर का जो कोट होता है बाहर का, उसे फुर बोलते हैं। शिप का रहता है, बियर का रहता है, हैव ऊल और फुर दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट, ये कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए होता है बच्चों। देन स्पाइन्स पढ़ेंगे बच्चों, द बॉडी ऑफ पर्क्यूफाइन एंड एच्डिना आर कवर्ड विथ शार्प स्पाइंस दैट हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। तो एच्डिना होता है बच्चों, और पर्क्यूपाइन जैसे एनिमल्स के एक स्पाइंस होता है, कांटा रहता है, ये देखिए इमेज बच्चों, ये एनिमल से उसे वो बचने के लिए हेल्प करता है, कोई उसे इतना जल्दी आके अटैक नहीं कर सकता, उसका जो शिकारी होता है, इसको जो खाते हैं, वो इतना जल्दी उसे शिकार नहीं कर सकते, शिकारी से बचने के लिए उनका बदन में स्पाइंस होता है बच्चों, ये आप देख सकते होंगे, ये स्पाइंस है बच्चों। चिड़ियाघर में आप लोगों ने इसे देखा होगा, चिड़ियाघर में आप लोगों ने इसे चिन्ना को देखा होगा। देन फीदर्स बच्चों, द बॉडीज ऑफ द बार्ड्स आर कवर्ड विथ फीदर्स, सबको पता है, दैट हेल्प देम फ्लाई एंड ऑल्सो कीप देम वार्म, में गर्म रहने रखने के लिए और उड़ने के लिए हेल्प करता है। फिर कामोफ्लाज, एक वर्ड आता है बच्चों, कामोफ्लाज है क्या, कामोफ्लाज है अपने सराउंडिंग्स में अपने को छुपा कर रखने का कला को कामोफ्लाज बोलते हैं। मतलब क्या होता है बॉडी बच्चों, द बॉडी कवरिंग्स ऑफ सम एनिमल्स मैच देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स में वो मैच कर लेते हैं, उसे इतना जल्दी आप नोटिस नहीं कर सकते, फिगर आउट नहीं कर सकते। इट मेक्स द एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने एनिमी से उसे बचा के रखता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड कामोफ्लाज, अपने को छुपा कर रखने का एबिलिटी को कामोफ्लाज करते हैं। कामोफ्लाज किसे कहते हैं, अपने को अपने एनिमी से छुपा कर रखने का एबिलिटी को कामोफ्लाज कहते हैं। सम प्रीडेटर्स ऑल्सो कामोफ्लाज सो दैट दे आर प्रे कैन नॉट सी द एनिमीज सी देम इजीली, शिकारी शिकार कुछ शिकार क्या होता है, अपने को आप कुछ छुपा के रखता है ताकि शिकारी उसे जल्दी से फिगर आउट ना कर सके और उसका शिकार ना कर सके। देन माइग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइग्रेशन एक जगह को से दूसरे जगह को
चले जाने को माइग्रेशन कहते हैं। अब डिटेल्स में पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ओवर लार्ज डिस्टेंस इन रेस्पॉन्स टू सीजनल चेंज इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक सीजन बदलता है तब एक जगह से दूसरे जगह कुछ आते हैं, जैसे कोल्ड रीजन्स में जो रहते हैं बर्ड्स वो आते हैं थोड़ा हॉट रीजन्स में ठंड का मौसम है, क्योंकि कोल्ड रीजन्स में काफ़ी ठंड होता है और हॉट रीजन्स में उस टाइम भी विंटर ही चला रहता है, लेकिन उस विंटर का उसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब हॉट वेदर आता है तब वो वहाँ से चले जाकर अपना ओरिजिनल प्लेसेस को चले जाते हैं, उससे बोलते हैं माइग्रेशन बच्चों। इट इज़ ए बिहेवियरल एडेप्टेशन, ये सीजन का वाइज करते हैं। माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स यूजुअली पीरियोडिक, ये पीरियोडिक होता है बच्चों। तो व्हाई एनिमल्स माइग्रेट, माइग्रेट क्यों करते हैं, दिल में सवाल आ गया होगा आप लोगों को कि माइग्रेट क्यों करते हैं। माइग्रेट अनफेवरेबल सीजनल कंडीशंस के बगैर करते हैं, जो कंडीशन इतना ख़राब हो जाता है कि वो वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मजबूर होकर उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। फिर खाना का शॉर्टेज हो जाता है, जब जो लोग पोल्स में रहते हैं बच्चों उनका खाना नहीं मिलता, जब आइस चारों तरफ आइस ही आइस कवर हो जाएगा तो खाएंगे क्या बच्चों, उसलिए आते हैं। द वेदर कंडीशन मे नॉट बी सुइटेड फॉर ब्रीडिंग, बच्चे पैदा करने के लिए उस टाइम वेदर कंडीशन सुइटेड नहीं होता। सो फाइंडिंग ए प्लेस विद एनाफ फूड, जहाँ जब बहुत ही ज़्यादा खाना मिले, जहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ सुइटेबल वेदर रहे ब्रीडिंग करने के लिए, उस जगह को माइग्रेट कर जाते हैं, उस जगह को चले जाते हैं। एक चिड़िया होता है बच्चों आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन। इट फ्लाइज फ्रॉम इट्स आर्कटिक ब्रीडिंग ग्राउंड्स टू द अंटार्कटिक एंड बैक अगेन ईच ईयर। बट बच्चों ये आर्कटिक टर्न एक चिड़िया होता है, तो आर्कटिक नाम कैसे पड़ा बच्चों, आप लोग नेक्स्ट सोशल स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अगर ये अर्थ है बच्चों, आप जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ोगे, ये अगर अर्थ है बच्चों तो अर्थ का बीच से अगर आप डिवाइड करोगे, इसे बोलते हैं इक्वेटर, इसे इक्वेटर बोलते हैं। और उसके बाद आपका आता है बच्चों ये साउथ में अगर गार्ड टर्नेंगे, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये होता है नॉर्थ में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है नॉर्थ में बच्चों। ये नॉर्थ है और ये साउथ है बच्चों। नॉर्थ में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है बच्चों, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन होता है, इसे बोलते हैं आर्कटिक रीजन नॉर्थ में, और साउथ में बोलते हैं अंटार्कटिक रीजन। और ये होता है पोल नॉर्थ पोल, ये होता है बच्चों साउथ पोल, ये होता है नॉर्थ पोल बच्चों और ये होता है साउथ पोल। तो यहाँ से ये आर्कटिक रीजन है बच्चों, यहाँ से अंटार्कटिक रीजन, और यहाँ तक आता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आर्कटिक ट्रेन एक चिड़िया होता है वो आता है, फिर वापस चले जाते हैं। कितना दूर हुआ समझ में आता है बच्चों। इट फ्लाइज फ्रॉम इट्स आर्कटिक ब्रीडिंग ग्राउंड टू द अंटार्कटिक एंड बैक अगेन ईच ईयर, हर साल ये वो करता है। दिस मच फ्रॉम माई साइड, थैंक यू बच्चों, ये इस टॉपिक में इतना ही था, और हम क्वेश्चन आंसर लेके एक अलग वीडियो में आएंगे। ध्यान लगा के बच्चा पढ़ाई करना, घबराने की कोई बात नहीं है, जितना दिन भी लॉकडाउन हो जाए, शटडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, अपना पेरेंट्स का बात सुनिए, घर में रहिए, बाहर मत जाइए, और बुक निकाल के एक एक सब्जेक्ट हर दिन पढ़ने का कोशिश करिए। तो आप जब स्कूल खुलेगा आपका ऊपर बर्डन ज़्यादा नहीं होगा बच्चों। अगर ये आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट्स करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि इससे आपको हर वीडियो का नया नया नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।